तो Redmi K20 और Redmi K20 Pro के लॉन्च के बाद पूरी टेक कम्युनिटी पे एक तरीके से बवाल सा मच चुका है और हर कोई जो है इन दोनों फोन्स के बारे में बात कर रहा है। मुझे जो है दो तरीके के लोग दिखे, पहले वो जो पूरी तरीके से जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इन फोन्स को कि भाई ओवर प्राइज्ड है, ये है वो है, और दूसरे वो लोग यानी कि #Xiaomi फैंस जो बोल रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया फ़ोन निकाला है, इतने प्राइस में जो है कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती। तो ऐसे में जो तीसरा पर्सन यानी कि जो एक्चुअल में कॉमन पर्सन जो फ़ोन खरीदने वाला था या वेट रहा था इतने दिनों से कि भाई Redmi K20 या K20 Pro आएगा और हम खरीदेंगे, तो वो ऐसे में बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि भाई रिव्यूज गूगल पे सर्च करके ही लोग फोन खरीदते हैं और इस तरीके के जो है डाउट्स उन लोगों को मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा और मैं बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। और एक और जो है कॉम्पिटिटर इसके बीच में आता है वो है Realme X यानी कि Redmi K20 का जो रियल कॉम्पिटिटर है, क्योंकि वो 4,000 रुपये और भी सस्ता है और सेम स्पेसिफिकेशन आपको दे रहा है, तो वो एक और कॉम्पिटिटर है जिसके बारे में जो है आज मैं बात करूंगा आप लोगों को। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखते रहिए और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा रेड से कलर का, उसको आपको प्रेस करना है और सब्सक्राइब हो जाना है ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो गाइस मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techpressgadgets.com, लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले मैं आप लोगों को मेरा ओपिनियन दूं, मैं फटाफट से इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूं क्योंकि इनकी जो स्पेक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो इनके प्रोसेसर में मिलता है, क्योंकि Redmi K20 में जो है आपको स्नैपड्रैगन 730 मिलता है, वही Redmi K20 Pro में आपको जो है स्नैपड्रैगन 855 मिलता है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है, यानी कि आपको डिस्प्ले इसमें 6.3 इंच का मिलेगा, उसके साथ साथ इसका जो फ्रंट कैमरा होने वाला है वो 20 मेगापिक्सल का होगा और इसका जो रियर कैमरा होगा वो ट्रिपल कैमरा के साथ आएगा, यानी कि 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का जो है मिलके ट्रिपल कैमरा आपको मिलेगा। दोनों फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ दोनों के जो वेरिएंट है वो भी सेम है, यानी कि 6GB वाला वेरिएंट जो है इनका लोवेस्ट वेरिएंट होगा और प्लस 128GB, और उसके साथ साथ जो दूसरा वेरिएंट होगा वो 8GB और 256GB वाला वेरिएंट होगा। और अगर मैं इनके डिजाइन और कलर्स वगैरह की बात करूं तो वो भी जो है सिमिलर है, लाइक ग्लेशियर ब्लू मिलेगा आपको, फ्लेम रेड करके जो इनका एक कलर है, और एक कार्बन ब्लैक, ये जो तीन कलर है आपको इन दोनों फोन में देखने को मिलेंगे। अगर ये दोनों फोन आप एक साथ देखते हैं तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इनमें जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो गाइस Xiaomi ने इस बार अपनी एक अल्फा सेल निकाली जिसमें फोन के रिलीज होने से दो दिन पहले ही जो है लोग इसको खरीद सकते थे, यानी कि सेल में सिर्फ और सिर्फ 855 रुपीज दे सकते थे, और 855 अगर आप देते हो तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे और आप फोन को जो है इजिली परचेस कर सकते हो, जो कि जो 855 ऐसे थे कि अगर आप नहीं भी खरीदते हो तो आपके पैसे जो है वो रिफंड हो जाएंगे, लेकिन लोगों ने भरोसा करके जो है 855 रुपीज दिए और रजिस्ट्रेशन कराया क्योंकि उनको जो है पूरी तरीके से यकीन था कि जो Redmi का फोन होंगे यानी कि Redmi K20 और Redmi K20 Pro जो होगा उनके प्राइस कम होंगे। अगर मैं बता दूं कि भाई लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी, वो इस तरीके से थी कि भाई Redmi K20 का प्राइस 17-18,000 तक होगा और Redmi K20 Pro का प्राइस जो है वो 25,000 रुपये तक होगा, तो इस हिसाब से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और फोन का वो लोग वेट करा। उनको लॉन्च इवेंट से कोई मतलब नहीं था क्योंकि इन फोन की जो है स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी लोग जानते थे, क्योंकि ये फोन जो है चाइना में ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, तो सारी स्पेसिफिकेशन में जो है लोगों को पता थी कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का वेट था। बट जैसे ही Xiaomi ने जो है इसके प्राइस के बारे में बताया तो लोग बहुत खतरनाक तरीके से डिसअपॉइंट हो गए, इसके कारण ये फोन और भी हाइप पे आ गया क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा हाइप पे था लेकिन अब जो है और ज्यादा हो गया इसके प्राइस के कारण। अब बात करते हैं कि आपको Redmi K20 Pro खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो गाइस जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊं तो Redmi K20 Pro अभी के टाइम का सबसे बेस्ट बजट फ्लैगशिप फोन है क्योंकि वो आपको स्नैपड्रैगन 855 दे रहा है, जो कि दूसरा कोई भी फोन की कंपनी नहीं दे रहा है, वो भी 30,000 रुपए में आपको कोई भी कंपनी नहीं दे रहा है। उसके बाद अगर उसका कंपैरिजन OnePlus 7 Pro से किया जा रहा है तो वो जो चीज है वो मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगी, क्योंकि OnePlus 7 Pro जो है वो 48-49,000 का है, उसके साथ साथ उसमें जो है आपको डिस्प्ले 90Hz वाला मिलता है, उसमें डैश चार्जिंग आपको मिलती है, बहुत अलग स्पेसिफिकेशन आपको उसमें मिलती है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो आपको K20 Pro में जो मिल रहा है वो OnePlus 7 Pro वाला ही मिल रहा है, उसके साथ साथ कैमरा वगैरह भी जो है आपको उसमें कंपैरिजन में जो अगर करते हैं तो सेम ही मिलेगा, लेकिन OnePlus 7 का 7 Pro का प्राइस बहुत ज्यादा है, इसलिए Redmi K20 Pro जो है अभी के टाइम पे सबसे बजट वाला फ्लैगशिप फोन बन जाता है। और अगर आपका बजट 30,000 रुपए तक का है और अगर आप सबसे बेस्ट फोन खरीदना चाहते हैं तो ये जो फोन है वो सबसे बेस्ट है क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी स्पेसिफिकेशन ये दे रहा है जो दूसरा फोन नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं Redmi K20 के बारे में, तो गाइस इसका जो प्राइस है मुझे थोड़ा हाई लगा है क्योंकि ये आपको 22,000 रुपीज में मिलता है, वहीं सेम स्पेसिफिकेशन वाला फोन यानी कि Realme X
सीरीज जो है आपको 17,000 रुपीज में मिल जाता है। तो गाइस 4,000 का जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये 4,000 के पीछे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी बन जाते हैं। वो ये कि रियलमी एक्स में जो है आपको पूरी बॉडी प्लास्टिक की मिलती है, ग्रिल से लेके पीछे का बैक पैनल पूरा प्लास्टिक में मिलता है, जो आपको थोड़ी सी चीप फीलिंग दे देता है। वहीं अगर बात करूँ रेडमी K20 की, तो वो आपको पूरा ग्लास बॉडी के साथ मिलता है, तो जो आपको प्रीमियम लुक देगा, क्योंकि उसमें कलर्स वगैरह जो है काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज ये जो एक डिफरेंस था, उसके साथ साथ प्रोसेसर का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में 730 है, लेकिन रियलमी एक्स में जो 730 प्रोसेसर है वो ओल्डर वर्जन है, पुराना वर्जन है। वहीं रेडमी K20 में जो प्रोसेसर है वो न्यूअर वर्जन है, यानी कि उसका जो GPU है रेडमी K20 का वो अच्छा है एज कम्पेयर टू रियलमी एक्स। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो रेडमी K20 जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। ये थे कुछ डिफरेंस जिसके कारण रियलमी एक्स का प्राइस थोड़ा लो हो जाता है और रेडमी K20 का प्राइस जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है। तो गाइस जनरली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो अगर आप 20,000 के अंदर लाइक 15-16,000 रुपए के मैं अगर कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो रियलमी एक्स से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप 20,000 तक का कोई फ़ोन खरीदते हैं तो K20 से अच्छा कोई फ़ोन नहीं मिलेगा। अब अगर मैं इन दोनों का कंपेरिजन करूँ कि यार इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, तो गाइस प्रोसेसर और बिल्ड क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी डिफरेंस करती है, लाइक मैटर करती है। तो रेडमी K20 में आपको क्लियरली अच्छा सब कुछ मिलेगा एज कम्पेयर टू रियलमी एक्स। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप थोड़े बहुत और पैसे मिला सकते हैं तो रेडमी K20 जो है अच्छा खासा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। तो गाइस ये था मेरा जेन्युइन ओपिनियन रेडमी K20 और रेडमी K20 प्रो के लिए। ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी कमाल के हैं। आई नो अभी बहुत सारे लोग जो हैं अनहैप्पी हैं, वो इसलिए क्योंकि रेडमी जो है सीरीज होती थी वो कम प्राइस में अच्छे फ़ोन निकालती थी, अब एकदम से उन्होंने जो है 20,000 रुपीज़ तक में पहुँच गए। लेकिन गाइस जो स्पेसिफिकेशन ये दे रहे हैं वो काफ़ी कमाल की है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंसेस हैं। रेडमी K20 के बारे में मैं कह सकता हूँ कि भाई थोड़ा ओवर प्राइस है, लेकिन रेडमी K20 प्रो जो है वो काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन दे रहा है और अभी के टाइम पे सच में एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन है। तो गाइज अगर आपका बजट 30,000 है, सबसे बेस्ट ऑप्शन रेडमी K20 प्रो बन जाता है। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड फैमिली में जो है ये फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आप उनको शेयर करिए, ताकि वो ये वीडियो देखे और थोड़ा बहुत समझे कि भाई कौन सा फोन उनके लिए सही रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।